वेलकम बैक माय चैनल। हेलो एवरीवन, मैं आज दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को पूरा शीशे की छोटा सा एक नमूना, और मैं इसको बनाने जा रहा हूँ एक गुलदस्ता। और इसको आप लोगों से राय मांगूंगा कि आप सबों से राय लेंगे ये सब रिजन के लायक भी है कि नहीं, या तो यहाँ नगर पालिका आना चाहिए कि नहीं उसको, और एग्रीकल्चर की जो जमीन को सरकार बर्बाद करके छोड़ा है, इसे फालतू छोड़ा है, इसमें नगर पालिका या तो सब रिजन शिफ्ट करने के लायक है कि नहीं, या क्या है शीशे मैं दिखाता हूँ दोस्तों। जैसे कि दोस्तों बता सकते हैं ये मेन रोड से घुसता है ये रोड, और इधर जो है सरकार का एग्रीकल्चर की जमीन जो बेकार करके छोड़ा हुआ है वो है दोस्तों। और ये काफी दूर भी है, इधर आपका फार्म तालाब है, और इधर रास्ता भी एक नंबर फर्स्ट क्लास बना हुआ है, ये तालाब है, और ये बाजारदान का हिस्सा है दोस्तों। वो बाजारदान का हिस्सा है, ये बाजारदान बनता है। जैसे कि दोस्तों इधर देख सकते हैं, मैं दिखाना चाह रहा हूँ उधर बाजारदान को भी दिखा रहा हूँ, और तालाब का ग्राउंड को भी देख रहे हैं, और उधर बाजार तार के बाद में उधर थाना को भी मैं दिखाऊंगा। इधर दिखाओ, इधर इधर, और चारों तरफ जो है इधर एग्रीकल्चर का जो जमीन होता है ऊपर दिखा है दोस्तों, उसके बाद भी इधर है ये जमीन जो है इधर, उसके बाद ये एग्रीकल्चर, ये फार्म का ही जमीन है, ये क्या कहते हैं सरकार का ही जमीन में आता है। और ये रास्ता को देखिए जिस तरह सजाना चाहिए, ऐसा तो सज गया है दोस्तों। ये सबसे बड़ा कब्रस्तान है, ये शीशे का इतना बड़ा कब्रस्तान है कि इधर और यहाँ से चालू होता है आपका सारा बाजार गांव का, यहाँ एरिया चालू होता है। और हम बताते हैं रुका, जैसे कि दोस्तों ये बस्ती चालू है यहाँ से, और ये बहुत ही बड़ा बस्ती है। अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको बस्ती को, तो बहुत बड़ा बस्ती है, और लगभग इसको सर्वे करने वाला से पता किया जाएगा, और इसको जांच पड़ताल किया जाएगा कितना बड़ा बस्ती है। और ये जो है चारों तरफ का है, ठीक, यहाँ से बस्ती चालू होता है दोस्तों। और बस्ती यहाँ से चालू होने के बाद में यहाँ से शुरुआत होता है बस्ती, और बताते हैं हम थोड़ा सा, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर ही चौहदी रोड है, जैसे कि दोस्तों ये चौहदी है, यहाँ पर ही देखा जा सकता है बस्ती का इतना बड़ा चौराहा है ये। और यहाँ से एक बस्ती और चिनंगता है, इसको मैं दिखाऊंगा अभी आके, बस इतना दिखाना चाहला चिनंगता है। और उधर उधर मस्जिद है, बड़ा सा उधर मस्जिद है, पता करने की कोशिश करते हैं दोस्तों ये है शीशा ही सब डिविजन बनने के लायक है कि नहीं। बेशक है, नगर पालिका को सरकार को यहाँ लाना चाहिए, बराबर लाना चाहिए, है कि नहीं। एग्रीकल्चर के लिए जो सरकार इतना सारा जमीन छोड़ा है, शीशे को बसिया से कंपेयर किया है, तो बसिया बड़ा है या शीशे बड़ा है? शीशे बड़ा है। सब डिविजन के लायक यानी नगर पालिका का और जिला बनने के लायक शीशे है कि बसिया है? शीशे है, शीशे है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इसराफिल अंसारी। आपसे बात करें खुशी हुई, जवानी सुने और भी लोगों से हम राय लेने। जैसे कि दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ यहाँ एक बड़ा चट्टान है, और जिसको टंगरा के नाम से बस्ती वाला आदमी जानता है, और ये जो है इधर से जा रहा है आपका बांस टोली की तरफ रोड, जैसे यहाँ से बस्ती से निकल रहे हैं दोस्तों। और मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को कि इसे कितना लंबा चौड़ा है, स्पेशल आप लोगों को दिमाग में डालने काम कर रहे हैं दोस्तों, हमको कभी कभी दिखाएगा पूरा बस्ती दिखता है, पूरा रोड दिखता है, दिखता है ना पूरा रोड दोस्तों। यहाँ से बस्ती का रोड है, और यहाँ से बस्ती चालू होता है, और हम दिखाना चाहते हैं कि बस्ती यहाँ से चालू होता है कितना बड़ा है। बस यहाँ पर एक बड़ा कब्रिस्तान है दोस्तों, और यहाँ से एक और बस्ती श्रीलंका है, और यहाँ की बस्ती का अलग एक नाम दिया गया है जिसको नई बस्ती के नाम से जाना जाता है। यहाँ से एक और बस्ती चालू होता है दोस्तों, तो ये बस्ती को यहाँ से इधर ये करमटोली के नाम से भी जाना जाता है इधर, और उधर आपको बांस टोली से रूबरू कराता हूँ मैं। यहाँ से शीशे का आकार दिखता है, शीशे का सीमान यहाँ से, ये मोड़ है, ये रोड का आकार देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत, सरकार रोड को बना के छोड़ दिया है, पर इसको शीशे को एक लाचार औरत की तरह छोड़ दिया, मजलूम औरत की तरह छोड़ दिया है इसको, जो है नगर पालिका सब सरकार को सोचनी चाहिए। यहाँ से दो रोड है दोस्तों, और राइट लेफ्ट जाता है इधर छरदा रोड, मेन रोड आपको निकाल देगा, शीशे चौक थाना रोड निकाल देगा, और राइट साइड में इधर आपको भंडरा से लेकर इधर पूसा तरफ भी जा सकते हैं, लोहरदगा भी जा सकते हैं, लौंजरा भी जा सकते हैं, बहुत सारा ऐसी जगह निकाल देगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर इसे भी दो रोड जाता है, एक रोड लेफ्ट में जाता है, ये जाता है आपका पूसा लौंजरा लनगो इस तरफ लोहरदगा तरफ, और इधर जाता है दोस्तों बगनी करकरी, और इधर आगे जहां तक जा सके ये शीशे नदी का पुल है दोस्तों, बेहतरीन से जुम्मन है दोस्तों, ये शीशे नदी का पुल है, ये एरिया है शीशे का दोस्तों। आप कौन आदमी कहता है कि ये सब डिविजन के लायक नहीं है, इसको मैं दिखाता हूँ दोस्तों, और यहाँ से आपको शीशे का रूबरू शुरू करता हूँ, शीशे का सीमान शुरू है दोस्तों, और एक साइड का ये हो गया, मैं चारों साइड के दिखाने का प्रयास करूंगा, पर एक साइड का ये हो गया, उधर दिखाया जा सकता है कितना बड़ा है,
और इधर रास्ता तो आपको दिखा रहे हैं कितना फेमस है दोस्तों। अब हम राइट साइड से सीधे घूस रहे हैं, सीधे बैक होके तो यहाँ राइट साइड पर जाएगा ये रोड। अच्छी तो ये छरदा रोड है, छरदा रोड का भी आकार में लेने की कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा, आपको दिखाऊंगा। अभी आपको यहाँ से ये लेफ्ट साइड में पेट्रोल पंप दोस्तों, ये यहाँ पर ही पेट्रोल पंप है, ये शीशे के पेट्रोल पंप का रोड है। और मैं दिखाता हूँ ये भी शीशा दोस्तों, एक बस्ती और दिखता है, वो भी बस्ती शीशे के अंदर में आता है, ये भी शीशे का एक सीमा है दोस्तों। मैं दिखाऊँ कम वक्त में, यहाँ पर एक भट्टा खुला हुआ है, यह भी शीशे के सीमान में है दोस्तों। ये नई बस्ती है दोस्तों, यहाँ से नई बस्ती चालू होता है, इधर से एक कहा और इधर से एक रोड चालू होता है। तो यहाँ नई बस्ती का मस्जिद, और यह है नई बस्ती, और इसका आकार यह है इधर इधर इधर, यह है यह इस तरफ। अब रुको इसका सब्सक्राइब, जैसे कि दोस्तों मैं और भी बताता हूँ, आधा शीशे को दिखा चुका हूँ, पूरा शीशे दिखाने वाला हूँ, और भी लोगों से राय ले रहे हैं, एक आदमी से लिए हैं, फिर राय ले रहे हैं, और भी बताएंगे। तो क्या नाम हुआ आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मोहम्मद निजाम अंसारी। मोहम्मद निजाम भाई, आप बताइए, शीशे सब डिवीजन बनने के लायक है? एकदम बिल्कुल है, बिल्कुल आबादी, इसका एरिया भी काफी है, एरिया भी इतना लंबा चौड़ा है, पालिका यहाँ आना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, एग्रीकल्चर के लिए जो जमीन सरकार फेंक के छोड़ा है वहाँ का एकदम, उसको तो तुरंत उसको नगर पालिका आना चाहिए, खेती के लायक नगर पालिका वहाँ एकदम तुरंत बैठा देना चाहिए, है कि नहीं? काफी लंबा चौड़ा एरिया है, बहुत 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 इतना। ठीक है, ये नई बस्ती का कार्य में है दोस्तों, और ये मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, यहाँ से एक रोड और क्रॉस करता है। मैं एक आदमी से पूछने की कोशिश करूंगा, परियत जी की दुकान पहुंचते हैं, उधर से निकलो। जैसे कि दोस्तों मैं और राय लेके आपको बता रहा हूँ और दिखाना चाहता हूँ। हाँ हेलो सर, क्या हाल है? एकदम बढ़िया। क्या नाम हुआ आपका? बलभद्र साहब। तो बलभद्र जी से सुन रहे हैं जबानी, और इन्हीं से जानते हैं इनका राय। आपसे हम राय मांग रहे हैं, शीशे सब डिवीजन बनने के लायक है कि नहीं? एकदम है, नगर पालिका को यहाँ आना चाहिए कि नहीं? एकदम आना चाहिए। एग्रीकल्चर के लिए जो जमीन है उसको सरकार जो उतना फेंक के छोड़ा है, इसमें क्या शिफ्ट होना चाहिए? सब डिवीजन बनना चाहिए कि बनना चाहिए? नहीं, सब डिवीजन बनना चाहिए, है कि नहीं? हाँ। तो इसके लायक शीशे है कि नहीं? कितना बड़ा? एकदम बड़ा है। बसिया से बड़ा है कि नहीं शीशे? बसिया से बड़ा है। दूसरी चीज है क्या कि इसका जो थाना भी पड़ता है, अभी चार पांच थाना इसके अंतर्गत में है, इसके अंतर्गत में। हाँ, जैसे कि दोस्तों बलभद्र साहब से आप सुन रहे थे कि शीशे का जो आकार है, कितना थाना इसका एरिया आता है, ये सबको बता रहे हैं, और भी लोगों को राय आपको बताते हैं दोस्तों। ये बता रहा हूँ, अभी मैं छरदा रोड से फिर घुस रहा हूँ दूसरा सीमा में, शीशे की और सारो सीमा को मैं दिखाऊंगा दोस्तों। इधर लेफ्ट दोस्तों, इधर जो है इधर बायां साइड में चालू होता है बस्ती का रोड, बेहतरीन से बना हुआ है दोस्तों। ये है, ये छरदा रोड है, इसको मैं दिखाना चाहता हूँ, इसका एरिया कितना बड़ा है उसको दोस्तों। ये जगह बताता हूँ मैं, और ये थाना के एरिया में घुस जाते हैं छरदा रोड के बाद में, इधर बायां साइड छोटा सा गली है, ये गली में घुसते हैं थाना तरफ, और एक रोड यहाँ से और छिंगा है, और यहाँ से बताता हूँ मैं, यहाँ से रोड दोस्तों, यहाँ से एक थाना रोड घुसता है, और आपको मैं दिखा रहा हूँ, और ये मैं दिखाता हूँ आपको दोस्तों, ये राइट साइड में घुस के कॉलेज रोड दिखाता हूँ, और ये शीशे के सीमान में आता है दोस्तों, ये कॉलेज रोड है दोस्तों, ये शीशे कॉलेज का रोड है, ये मुखिया की रोड दोस्तों, ये मुखिया की घर है दाहिना साइड, ये मुखिया के घर की रोड दिखाना चाहता हूँ, रुको, ये मुखिया के घर घुसता है दोस्तों, ये रास्ता मुखिया के घर घुसता है, और इस पर मुखिया जी जो है बनाए हैं इसका घर, और आगे हम दिखाते हैं। ये है दोस्तों कॉलेज रोड, कॉलेज से छुट्टी हो चुका है दोस्तों, अभी तो बंपर दोस्तों, ये बी एन जलान कॉलेज का मैदान, ये बी एन जलान कॉलेज का मैदान है दोस्तों, ये है बी एन जलान कॉलेज, और ये बी एन जलान कॉलेज का लोगो से गाड़ी को यही से घुमाते हैं दोस्तों, कहा की गाड़ी का शीशे का सीमा इसी दिखाना शुरू कर रहे हैं दोस्तों, कॉलेज बी एन जलान कॉलेज, और इधर से जो है ये दिखा रहे हैं हम, ये बी एन जलान कॉलेज में देखते हैं दोस्तों, वहाँ मास्टर लोग बैठे हैं दोस्तों, एक मिनट हम राय लेते हैं, सार लोग बहुत सारा बैठे हुए हैं, खाली जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं, सर लोग बैठे हुए हैं, और ये सब बी एन जलान कॉलेज में सिर्फ इसको राय ले रहे हैं। सर इसमें बता, आप सर, आप क्या नाम है सर आपका? अरविंद प्रसाद। जैसे कि अरविंद प्रसाद जी की जुबानी सुनते हैं, ये शीशे सब डिजाइन बनने के लायक है कि नहीं? एकदम बनना चाहिए, क्यों नहीं? परिवर्तन हो जाए, विकास होना चाहिए, सब पुराने का सब नहीं रहना चाहिए, नगर पालिका भी आना चाहिए, एकदम आना चाहिए। एग्रीकल्चर का जमीन जो सरकार उतना फेंक के छोड़ा वहाँ पर, उसके बारे में क्या कह सकते हैं? वहाँ सब डिजाइन सीट होना चाहिए कि पहले सरकार को जाना पड़ेगा ना, एग्रीकल्चर का क्या प्लानिंग है, उसका विकास का है कि नहीं भी है, अगर नहीं होगा कुछ दिख रहा तो उसमें सोचा जाए, नगर पालिका ला दे या तो सब डिजाइन बना, पहले सरकार को जाना पड़ेगा, अगर रखे तो कुछ सोचे की बसिया बड़ा है कि शीशे ही? बसिया बड़ा है कि शीशे ही? बड़ा तो शीशे ही हमारा है, शीशे ही बनना चाहिए सब डिजाइन की, बस क्या शीशे ही बनना चाहिए। ठीक है सर, आपसे बात करें खुशी।
जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं ये अभी अभियान जलांग कॉलेज की लोगों से राय लेके हम लोग जो है इधर वापस जाने की काम कर रहे हैं और दूसरा साइड आपको चलते हैं, चारों साइड का सीमा का आदमी से पूछा। हाँ जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं इधर आपको ये दिखा रहे लड़का हाई स्कूल है और ये है लड़का हाई स्कूल मांगी स्कूल और ये है दोस्तों माघी बगीचा और ये है क्या कहते हैं लड़की माघी स्कूल है, बहुत बड़ा ही स्कूल है और ये सारा एरिया सीसे का है दोस्तों। अब इसका गेट को दिखाते हैं हम, ये है गेट। जैसे कि दोस्तों अभी हम मेन रोड निकल रहे हैं दोस्तों आपका कुमार मोड़ और इसको कहते हैं यहाँ से सारा रोड जाने का मेन रोड नेशनल हाईवे में जुटता है। ये बजरंग बली जी की प्रतिमा जो है ये आपको दिखाता है कि यहाँ से आपका सीसई का और इधर जाता है राइट साइड में गुमला और इधर जाता है लेफ्ट साइड में रांची दोस्तों मेन रोड का। अब हम आपको इसका आकार दिखाते हैं, ये शीशे का एरिया हम चल रहे हैं दोस्तों, ये जो है मेन रोड है और आपको आगे जाके दिखाते हैं। जैसे कि अब हम प्रवेश कर दिए ओरिजिनल मेन रोड और शीशे ये आकार है चारों तरफ शीशे का दोस्तों। मैं दिखाना चाहता हूँ कि शीशे और बसिया में क्या अंतर है। ये है दोस्तों क्या कहते हैं मेन रोड, यहाँ मेन चौक हो गया शीशे का और ये कितना बड़ा टाउन है दोस्तों। मैं ये टाउन से रूबरू कराता हूँ दोस्तों आप लोगों को। ये शीशे टाउन और ये शीशे टाउन में लंबाई या चौड़ाई को देखिएगा और भी अंदर घुस के दिखाऊंगा दोस्तों। यहाँ तो मैं दिखा रहा हूँ शीशे की बड़ी मस्जिद है दोस्तों, ये शीशे की बड़ी मस्जिद है, ये शीशे का मेन चौक है दोस्तों। और इधर मैं आपको ले जाता हूँ बसिया रोड और बसिया रोड में कहाँ तक शीशे के सीमान उसको दिखा के लाता हूँ। जैसे कि दोस्तों ये जो है ये बसिया रोड है और इसका ये घूमने का रोड है और इधर रहमत नगर एक और कब्रस्तान है दोस्तों और ये दहिना साइड एक और कब्रस्तान है और ये भी बड़ा एक बस्ती घुसता है दोस्तों। इसका रहमत नगर ये बहुत बड़ा बस्ती है ना और को है। हाँ देखा ये संत बनी स्कूल है दोस्तों और ये स्कूल भी बहुत बड़ा आकार में है और शीशे का सबसे बड़ा एरिया में इसको ले सकते हैं दोस्तों। ये पास आ गई दोस्तों, मैं यहाँ पर स्पेशल दिखाने लाई हूँ आपको शिवलिंग को। ये शिवलिंग के बाद में ये शीशे का जो सीमा है दोस्तों, ये शीशे कितना लंबा चौड़ा इसको दिखा रहा हूँ। आगे एक और पेट्रोल पंप है वहां तक मैं नहीं जा पा। आपको चाह रहा हूँ कि यहाँ से ये शीशे का ये है और दिखाना चाहता हूँ ये शीशे का कंपास लाइन है। यहाँ से ये सीलिंग है, इतना बड़ा सीलिंग की और यहाँ से क्या कहते हैं चालू होता है एरिया। क्या नाम है आपका? सुमन देवी। सुमन जी मैं पूछना चाहता हूँ शीशे इतना बड़ा एरिया है, शीशे सब रीजन और नगर पालिका आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए ना। सरकार जो इतना बड़ा एग्रीकल्चर का जमीन फार्म में छोड़ के फेंक के छोड़ दिया है उसमें सब डिविजन बनना चाहिए। बनना चाहिए। बसिया बड़ा है कि शीशे? शीशे ही। शीशे में जो डिविजन बनना चाहिए कि नगर में? अच्छा सॉरी बसिया में। शीशे में। शीशे में ना। जैसे कि दोस्तों अभी इनकी जबानी सुन रहे थे आप सभी, कोई राय है कि शीशे में बनना चाहिए सब डिविजन? और भी दिखाता हूँ मैं आगे। जैसे कि दोस्तों एक और मैम से पूछते हैं, एक और मैम से। वैसा बसंती का, बसंती का जी आपसे ये मेरा सवाल है, शीशे सब डिविजन बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए। नगर पालिका यहाँ आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए। एग्रीकल्चर के जमीन को जो सरकार फालतू में छोड़ा है वहाँ सब डिविजन बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए। शीशे बड़ा है कि बसिया? शीशे। शीशे का जो एरिया है वो बसिया के एरिया से ज्यादा है? हाँ ज्यादा। सरकार वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, सब डिविजन यहाँ बनना चाहिए? शीशे में बनना चाहिए। और नगर पालिका भी आना चाहिए? नगर पालिका भी आना चाहिए। ठीक है जैसे आपके ना चलो क्या। जैसे कि दोस्तों और लोगों से राय जानते हैं शीशे उत्सव के लोग से। सर आपका क्या नाम हुआ? पारस कुमार साहब। पारस कुमार साहब आप शीशे सब डिविजन बनने के लायक है कि नहीं? बिल्कुल नगर पालिका यहाँ आना चाहिए कि नहीं? एकदम आना चाहिए। एग्रीकल्चर का जमीन को इतना बड़ा सरकार खाली छोड़ा है उसमें नगर पालिका या सब डिविजन बनाना चाहिए? बनना चाहिए। बच्चिया बड़ा है सर की शीशे? शीशे बड़ा है, काफी बड़ा है। शीशे को की बच्चा सब डिविजन बनाना चाहिए? शीशे को बनना चाहिए। चलिए आपसे बात कर, क्या शीशे बड़ा है कि बच्चिया खाली? सीसे। नगर पालिका और सब डिविजन शीशे में घुसते रहना चाहिए कि नगर में? बसिया में। शीशे में। शीशे में। शीशे का एरिया बड़ा है कि बसिया? शीशे। क्या नाम है आपका? चंद्रमुनि कुमारी। चंद्रमुनि कुमारी से जबानी सुन रहे, ठीक है आपसे बात करके खुशी हुआ। जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं ये अभी संत मारिज स्कूल जो है, संत मारिज स्कूल जो है छुट्टी हुआ और देखिए कितना स्टूडेंट है और हजारों की भीड़ में उसका पेरेंट्स लेते हैं, लेने के लिए आते हैं। पीछे से भी काफी और पीछे से भी काफी और आगे भी काफी है दोस्तों। इधर थाना रोड घुस रहे हैं और भी हम दिखाना चाहते हैं, एक जगह दिखा चाहते हैं रुको। और ये मेन रोड से हो गया आपका कम्प्लेक्स को दिखाते हैं, कितना बड़ा कम्प्लेक्स है दोस्तों। ये बंटी कम्प्लेक्स है शीशे का जाने माने कम्प्लेक्स और ये है शीशे वस्त्रालय, ये है शीशे वस्त्रालय और ये है कम्प्लेक्स।
और कॉम्प्लेक्स इतना बड़ा है दोस्तों, और इधर जो है मेन रोड है, ये बस स्टैंड भी कहलाता है, और इधर लोग हैं और भी दिखाते हैं। ये है शीशे का अस्पताल दोस्तों, अंदर तो नहीं घुसेंगे दोस्तों, सिर्फ घुमा के दिखा देते हैं, शीशे का अस्पताल है इसको तो हम, ये एंट्री है और शीशे का अस्पताल कितना बड़ा है इसको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, और इसको आधा मिनट बनाएंगे अस्पताल है दोस्तों। और ये अभी तो नहीं उतर रहे गाड़ी से दोस्तों, इसको जो है इसको सिर्फ कैप्चर कर रहा है दोस्तों, यहाँ से अस्पताल का निगरानी घुसने का है दोस्तों, और यहाँ के बाद में इधर जो है आपको दिखा दे रहा हूँ। ये अस्पताल, ये बहुत ही बड़ा अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, अंजुमन क्या कहते हैं, सदर अस्पताल है दोस्तों। इसको जो है अभी दिखाते हैं दोस्तों, ये है बोलो का कंपाउंड, यहाँ शुरू होता है दोस्तों, यहाँ पर जो है मड़प है, और दिखाते हैं हम स्टेट बैंक दोस्तों, ये है सीसई का स्टेट बैंक, और बहुत ही बड़ा बैंक है कंपाउंड दोस्तों। और इसका मैदान को मैं दिखाना चाहता हूँ, इधर दाहिने साइड पे बोलता हूँ पुराना अंचल है, ये पूरा सरकार की जमीन आता है, और यहाँ मैं दिखाना चाहता हूँ दोस्तों रावण मैदान, और ये रावण मैदान है, ये भी पोलो का अंचल का पूरा अति कंपाउंड है, और ये है रावण मैदान, और कितना बड़ा मैदान है इसको देख सकते हैं आप लोग। और इधर बस उस ला के खड़ा करते हैं, इधर तो आप कुछ एग्रीकल्चर के लिए इसको बंद किया गया है, लेकिन दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, ये है मैदान, बोट नहीं है इधर, देखा जाए यह दोस्तों पुराना अंचल, और इधर लेफ्ट साइड में है नया अंचल, और इसका भी काफी बड़ा कंपाउंड बना हुआ है दोस्तों। और मैं दिखाना चाहता हूँ इधर मेन रोड को, इधर अस्पताल कितना है, प्राइवेट अस्पताल कितना है दोस्तों, ये मैं दिखाना चाहता हूँ। ये एक और प्राइवेट अस्पताल है, कहाँ है, माही मेडिकल हॉस्पिटल लिखता है दोस्तों, देखा, ये है बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों, और यहाँ पर जो है ये भी है पूरा, यहाँ पर ही एक दो आदमी से पूछने का प्रयास करेंगे। जैसे कि दोस्तों बता रहा हूँ, उधर मोवाड़ी पतंग नहीं आ रहा है, पर मोवाड़ी का पूरा इसका सीमान में आता है दोस्तों। अब यहाँ से मैं गाड़ी को मोड़ता हूँ, बैंक है ये शीशे के पतरा, यहाँ से दोस्तों क्या कहते हैं सो चालू होता है मेरा शीशे, और यहाँ से चालू होता है पूरा दोस्तों। ये कार होम भी है दोनों होम है, और दिखाना चाहता हूँ ग्रामीण बैंक, और यहाँ ग्रामीण बैंक शीशे में दिखा रहा हूँ मैं आपको, पीछे श्वास चालू किया है। जैसे कि दोस्तों अभी घुस रहे हैं, ये मैरिज हॉल शीशे में, इतना बेहतरीन मैरिज हॉल है, ये मैरिज हॉल एक बेंगलोर में है, और दूसरा इसका जोड़ा शीशे में है। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं इसके आकार को, ये जो है मैरिज हॉल है, और यहाँ सभी कास्ट के लोग है, सभी तरह के लोग जो है अपना इसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरा यहाँ है दोस्तों, तीसरा और कहीं नहीं है, बंटी कॉम्प्लेक्स है, अभी बंटी मैरिज हॉल है ये। जैसे दोस्तों ये जो है इसका इस तरह आकार है, उधर पार्किंग वगैरह भी है, इसको थोड़ा सा वहां से जाके दिखा थोड़ा सा दोस्तों, ये दोनों तरफ का आकार एक ही जैसा बना हुआ है, और इसका जो है बहुत ही बेहतरीन और बहुत बेस्ट होता है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये मारे हुए के सारा जो है कंपास है, जितना भी और भी यहाँ गाड़ी रखने का भी जगह है, और ये देख सकते हैं दोस्तों ताम का बाबरची का भी जो है किस तरह इंतजाम है, ये सारा बाथरूम है दोस्तों, और ये भी बाथरूम है, और उधर जो है दोनों तरफ से कार देख सकते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों बता रहा हूँ, मारे झोल में भी लोग हैं, इनसे पूछते पता करने की कोशिश करते हैं, राय देते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रकाश कुमार वर्मा। तो प्रकाश जी, सीसई में सब डिविजन बनने के लायक है कि नहीं? सीसई एकदम सब डिविजन बनने के लायक है सर। नगर पालिका के बारे में क्या राय आपका? एकदम अच्छा राय है, नगर पालिका यहाँ बनना चाहिए जिस तरह यहाँ। लेकिन कैसा का जमीन को सरकार फेंक के छोड़ दिया, वहाँ सब डिविजन सीट होना चाहिए? एकदम होना चाहिए सर। बसिया बड़ा है कि सीसई? सीसई बड़ा है, कौन कहता है बसिया बड़ा है? सीसई की जगह में बसिया को बना दे रहा था, बसिया से बेहतर सीसई है बड़ा। एकदम एकदम सीसई में ही बनना। आपसे बात करके ये दोस्तों, इसको कहते हैं अस्पताल से सीधे रोड घुसा, थाना रोड को जोड़ता है ये बीच बीच अंदर रोड है, ये मंदिर पे दिखाते हुए जा। और मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ से सीसई थाना शुरू होता है, इसको दिखा के मैं फिर दिखाऊंगा दोस्तों। शीशे थाना और शीशे थाना का कंपाउंड के बाद में एक राउंड खाली दिखा देता हूँ, आने के बाद फिर थाना है दोस्तों। और ये थाना को एक राउंड में दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, ये इसका मोड़ और थाना का एक राउंड दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ फिर आकार ला गया हूँ, यहाँ तो मैं आपको थाना दिखाने के लिए लाया हूँ, लेकिन थाना को एक राउंड पीछे, यहाँ से थाना का ग्राउंड शुरू होता है दोस्तों, एक राउंड थाना भी है। और दोस्तों ये थाना का और सारा गाड़ी जब्त गाड़ी है, और मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ भी आपका इधर पंचायत सचिवालय है सीसई का, और ये पानी टंकी दोस्तों, यहाँ का सीसई का बहुत बड़ा पानी टंकी है, और इसका थाना है दोस्तों। ये गाड़ी जितना देख रहे हैं आप जब्त हुआ,
ये थाना है और ये भी पंचायत भवन है दोस्तों ये, और ये बाजार ताड़ में भी है, यहाँ से दिख रहा है पंचायत भवन दोस्तों। आगे उंगली करके दिखा, आगे आगे दिखा रहा है, दिख रहा है दोस्तों शीशे थाना, और ये शीशे थाना है। जैसे ये तिलका खड़िया की स्मारक है दोस्तों, और मैं दिखाता हूँ, सॉरी खैर जिसको मैं दिखाता चाहता हूँ, और ये है थाना मैदान। ये इतना बड़ा थाना का मैदान है, यहाँ बड़ा बड़ा मैच से लेकर सब कुछ होता है। ये हाई स्कूल है, बड़ा सा लड़की का हाई स्कूल है, ये तो थाना मैदान आप देख लिए दोस्तों, और ये लड़की का हाई स्कूल है। और इधर से बता रहे हैं आपको हम जो है इसको जो है अभी हम आपसे रूबरू कराते हुआ है बड़ा सा खम्भा में, और ये भी लाइट जो है दोस्तों धोखा पे धोखा देता है थाना, और स्टार्ट भी होता है दोस्तों, और जहाँ मेन रोड निकलता है वहाँ तक मैं ले चलता हूँ। और इधर एक सेकेंड के लिए बजना, इधर ये है बाजार ताड़ का रास्ता दोस्तों, और बाजार बहुत ही बड़ा है दोस्तों। चले दोस्तों, ये हॉस्पिटल एक और है, वो भी प्राइवेट अस्पताल है दिखा रहा हूँ। ये थाना रोड है, और ये थाना रोड है, और यहाँ से एक भिकू कॉम्प्लेक्स भी है दोस्तों, है वो भिकू कॉम्प्लेक्स, और यहाँ काजल टैम भी है दोस्तों, और यहाँ से सीसी का कार भी चालू होता है। इसको दिखा दो, बोर्ड होगा जगह दिखा दो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद शानवाज। शानवाज बाबू हमको ये बताओ, शीशे सब डिवीजन के लायक है कि नहीं? लायक है, पूरा है। नगर निगम में आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए। शकील जी आइए थोड़ा सा। एग्रीकल्चर के जमीन को तो सरकार इतना बड़ा फेंक के छोड़ा है, यहाँ सब डिवीजन शीशे रहना चाहिए कि नहीं? रहना चाहिए बिल्कुल। बसिया बड़ा है कि शीशे? शीशे ही बड़ा है। मैं शीशे के एरिया को दिखा रहा हूँ, तो सारा मैं शाम को सजा के देखूंगा। तो दोस्तों लास्ट अंत तक जैसे कि दोस्तों मैं दिखाना चाहता हूँ, ये थाना रोड का ही आकार है, ये थाना रोड का बहुत बड़ा बक्सा दुकान है, यहाँ जब भी आए तो यहाँ खरीदे। ये ओनर है और रोशनी स्टील का इसका दुकान का नाम है। ऊपर जो है कपड़ा दुकान है, क्या कहते हैं, मॉडर्न शॉप है। यहाँ दो जियो का टावर है ऊपर छोटा छोटा दोस्तों, और यहाँ से दो रोड अलग अलग होता है, एक गली रोड जाता है हॉस्पिटल के पास निकलता है, और एक मेन रोड जाता है उधर निकलता है। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ही जो है एक बहुत बड़ा मंदिर है, ये राम लक्ष्मण की मंदिर दिख रहा है, राम लक्ष्मण की तो फोटो दिख रहा है, राम और हनुमान। और शीशे की फेमस होटल है ये, कहाँ होटल का नाम है? रोक रोक रोक, ये ला दोस्तों, और शीशे की बहुत बड़ा होटल है, और इसको भी बताता हूँ मैं। और ये मंदिर है, और ये मंदिर है दोस्तों, ये मंदिर बहुत ही बड़ा है, यहाँ पिए जल हुआ है, जिन किसी को ये करना हो पिए जल लगा हुआ है। ये मंदिर का अंदर का आकार दिखा रहे हैं दोस्तों, ये अंदर भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मंदिर है दोस्तों। शीशे के अंदर रोड जाता है बस्ती की तरफ दोस्तों, एक नंबर रोड है, वस्त्रालय का दिखाया था दोस्तों, ये छोटा शीशे वस्त्रालय है और उन्हीं का है, और इन्हीं से क्या कहते हैं ये कीजिएगा। तो देख रहे हैं यहाँ चौराहा पड़ता है, और यहाँ से चारों तरफ रोड जाता है, राइट साइड में घूमने जाएगा और लेफ्ट साइड में रांची जाएगा, और इधर बस्ती की तरफ से निकलता है थाना रोड से, थाना की तरफ, और सीधे बसिया रोड जाएगा दोस्तों। और एक कोशिश करता हूँ, जैसे ये मेडिकल हॉल है दोस्तों, आजाद फर्मा है, ये आजाद फर्मा है दोस्तों, और ये है, ये क्या है, दवाखाना है, शीशे के सबसे बड़ा दवाखाना पूजा मेडिकल, पूजा मेडिकल है दोस्तों, ये शीशे के सबसे बड़ा दवाखाना है पूजा मेडिकल है। रूबरू कराता हूँ इससे, जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं ये शीशे का बहुत बड़ी मस्जिद है, और बड़ी मस्जिद है, यहाँ से मैं ऊपर जाके दिखाने की कोशिश करता हूँ बड़ी मस्जिद किस तरह है। ये बड़ी मस्जिद है दोस्तों, और मैं ऊपर से रूबरू कराना चाहता हूँ, सेकेंड फ्लोर है, यहाँ से भी दिखाना चाहता हूँ, आगे फ्लोर का किस तरह खूबसूरती है, ऊपर जाके दिखाता हूँ दोस्तों। ये यहाँ सा ये मेन रोड का खूबसूरती थोड़ा सा बढ़ता है दोस्तों, इधर से थोड़ा सा बढ़ता है, नीचे दिखा दोस्तों, मैं दिखाना चाहता हूँ शीशे का जो एरिया है, और ये है गुमला की ओर जाने वाला रोड है, और ये शीशे से मैं रूबरू कराता हूँ, ये सारा मेन रोड का है, और ये आपका शीशे है दोस्तों। आप सोच भी नहीं सकते शीशे इतना खूबसूरत है दोस्तों, और शीशे को इतना खूबसूरत होने के बावजूद भी जो है बहुत सारे लोग और सरकार जो है बदसूरत करने की काम कर रहा है, वो बड़ा तालाब है दोस्तों, वहाँ से दिखता है सारा बस्ती, और यहाँ से यह आपका टावर है, कौन सा टावर है वो? टावर है, वो टावर है, एयरटेल टावर है दोनों, वो जियो का है, एक जियो का है, एक एयरटेल का है, वो सबसे बड़ा टावर है, और शीशे का खान मोहल्ला का सबसे बड़ा टावर है दोस्तों। दोस्तों चाहता हूँ वो खान मोहल्ला के सबसे बड़ा टावर है, ये भी टावर है, और कितना खूबसूरत यहाँ से दिखता है शीशे दोस्तों, इसको आप सोच भी नहीं सकते हैं। और ये नगर पालिका या सब डिवीजन के लायक है कि नहीं उसको बताएं दोस्तों, ये मेन रोड का खूबसूरती है दोस्तों, ये यहाँ से जो मेन रोड दिखता है दोस्तों, ये शीशे का पूरा आकार है, और ये तो सिर्फ टाउन का आकार दिखा रहे हैं दोस्तों, ये
बस्ती की तरफ भी बहुत लंबा चौड़ा है, वो उधर आपका दिख रहा है थाना मैदान है, वो थाना मैदान है ना, यहाँ से थाना मैदान भी नजर आता है दोस्तों, और ये थाना मैदान नजर आता है, और यहाँ से इधर थाना, तो मैं इधर दिखा रहा हूँ, इधर हमको दिखा के दिखाएगा, आगे से हम बताएंगे ना, इधर चारों तरफ से घुमा के दिखाओ। जैसे कि दोस्तों ये शीशे का आकार है, और देख लीजिए, देख सकते हैं आप, थोड़ा पीछे को दिखा। ये दोस्तों ये मंदिर है, और ये मंदिर का आकार जो है दोस्तों, ये मंदिर है, और वहां से बस्ती का रोड निकलता है, और मदरसा होते तालाब होते हुए बस्ती जाता है। मैं बस्ती का रोड को भी, मेरा कैमरा मैन से कहूंगा इसको शूट करो, बस्ती को, बस्ती का रोड को, तालाब के रोड को, तालाब के रोड को शूट करो पूरा, जूम करके आया ना, वैसे जूम करके एक बार पूरा शूट करो। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को मैं बता सकता हूँ और दिखा भी सकता हूँ कि ये सारा शीशे का आकार है, और ये खूबसूरत है दोस्तों, और इधर से भी दिखा, इधर से भी देख सकते हैं दोस्तों, एक बस्ती इधर से भी है, आगे उधर भी जो है टावर है, दिखा आगे वो टावर है, और यहाँ से जो बस्ती है दोस्तों, मैं एक ये दिखाना चाहता हूँ, तुम मेरा हमको पकड़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हाँ पहले बताओ। तो क्या नाम हुआ भैया आपका? मोहम्मद फैयाज अंसारी। तो मोहम्मद फैयाज जी की जबानी जानते हैं, फैयाज जी ये बताइए कि शीशे सब डिविजन बनने के लायक है कि नहीं? ना बिल्कुल है, सब डिविजन के लायक है, नगर पालिका आने के जैसा है कि नहीं? वास्तव में नगर पालिका की जरूरत है, जितनी आबादी है आबादी के हिसाब से नगर पालिका के क्षेत्र होना चाहिए। एग्रीकल्चर के जमीन को जो सरकार वेस्ट करके फेंक के छोड़ दिया है, वहाँ सब डिविजन सीट होना चाहिए? नहीं, वहाँ पे आने से कुछ गरीब लोगों को रोजगार का भी साधन मुहैया हो जाता, ये सब रास्ता भी एक नंबर बना हुआ है, वो सब तो है, और आम आदमी को भी सहूलियत महसूस होती इससे, अगर सरकार इस पे ध्यान देती तो। ज्यादा नहीं, बसिया बड़ा है कि शीशे? नहीं, आबादी के हिसाब से तो बसिया, और क्षेत्रफल के हिसाब से भी बसिया, सीताई, सीताई बहुत बड़ा क्षेत्र है। जिला शीशे को बनना चाहिए बसिया को? नहीं, सीताई तो काफी, सीताई को बननी चाहिए, आबादी के हिसाब से उस लायक से है, ठीक है, बात करते। जैसे कि दोस्तों देख रहे थे, ये हमारा पूरा शीशे था, और पूरा शीशे से मैं रूबरू कराया, अब मैं जो है इसके विषय में तो आपको बता दें कि यार लोगों से राय भी जाने, और पूरा शीशे को दिखा दिया, बस इतना ही दोस्तों।